एक मुकदमा सिविल लाइन थाने में पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक युवती द्वारा आरोप लगाया गया है कवि अहमद पर कि वो 2018 में इसके संपर्क में आया और तब से लेकर के बीच में कई घटनाक्रम का उसमें उल्लेख है, जिसमें चेन स्नैचिंग भी करने का है और मारने पीटने का भी है और नशीला पदार्थ खिला करके रेप की घटना का भी उल्लेख किया गया है। उसमें जो घटनाक्रम है काफ़ी लंबे ड्यूरेशंस के, कई डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का भी उल्लेख किया गया है। उन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना की जा रही है। युवती का मेडिकल भी कराएंगे और 164 का बयान भी कराएंगे और उसमें जो लोग भी संलिप्त होंगे, क्योंकि उसमें एक तथ्य और भी उल्लिखित है कि उसके उनको धर्म परिवर्तन का प्रयास भी किया गया, दबाव भी डाला गया, तो ये सबसे गंभीर आरोप है उसमें, और जो लोग भी उसमें संलिप्त हैं सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसकी गंभीरता से विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई। ये इसमें कहा जा रहा है कि जो विधायक पक्ष का है कि कुछ पैसे वैसे दिए तो उसको कारोबार कराने के लिए, ये उस तरह का विवाद है। ऐसी चीज़ें अभी तो विवेचना में नहीं आई हैं। युवती का आरोप है वो रेप का है और वो भी 328, 392, 376 और मारपीट की धाराओं का उल्लेख है उसमें। हम अभी युवती की बातों को लिखित करते हुए विवेचना स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी फैक्ट आएगा वो सबसे लखनऊ ले जाकर भी रेप करने की बात आई थी एफआईआर में, इसमें लखनऊ की घटना का भी उल्लेख है, सही सिविल लाइन के सुभाष चौराहे की घटना का भी उल्लेख है जहाँ मारपीट की गई थी, उसमें कई घटनाक्रम का उल्लेख है। ठीक है, थैंक यू।